महिलाएं केस लेके आती हैं और पता चलता है कि हम पुरुष को मदद कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सुनती नहीं है, इतनी जिद्दी हो गई है, इतना गलत हो रहा है आजकल। थोड़ा सा पैसा नहीं महिला कमाती है कि उसका घमंड जो है एकदम चरम सीमा पे होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही केस आता है कि माँ का इंटरफेयर घर में बेटी के ससुराल में हुआ, शादीशुदा बेटी का, उसका घर एकदम बसना एकदम है कि बस भी कह रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाए हैं विवेक पटेल ने शिल्पी राज पे। अरे कुछ नहीं, वही लगाए, मेरी वाइफ थी और चली गई, मुझे छोड़ दी, और क्या लगाएगा। मेरा उसके कैरियर बनाने के पीछे मैंने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया, सारा कुछ बर्बाद हो गया मेरा, मैं सड़क पे आ गया, यही सब। का कहना है कि एक असफल पुरुष के साथ एक सफल महिला नहीं रह सकती, इस बात पे कितना सहमत हो? लड़कियां चाहे कितनी भी ऊपर चली जाए, उनका शोषण होना एकदम से तय ही तय है। आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ बन जाओ, अपनी बेटी को आप एक पढ़ाई ये भी पढ़ाइए कि एक घर छोड़ के जा रही तो दूसरे घर में तुम्हारा घर वही अपना है, और उसको समझो। जिस घर में माँ अगर समझदार नहीं है, उनकी बेटी का घर नहीं बसेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। भोजपुरी हो और विवादों में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रोशन रोही और किरण सिंह का मामला सुलझा ही था कि इधर शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला जो है वो सुर्खियों में आ गया है। विवेक पटेल जो कि महिला विकास मंच पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि शिल्पी राज ने उनके साथ धोखा किया है। इन सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए महिला विकास मंच भी मौजूद हैं, वीना मानवी जी और फरहद मैम। क्या बोलिएगा, क्या बोलें बताओ, कब इंसाफ मिलेगा विवेक पटेल को? वो आस लगा करके आए थे आपके पास, तो अभी 24 घंटे भी नहीं बीते उनके एप्लीकेशन आए हुए। अब 24 घंटे में कैसे, इतने बड़े तोप चीज हम लोग थोड़ी हैं, लेकिन हाँ चीजें सुधरेंगी। 10 दिन 15 दिन में समय निकाल के बैठेंगे ये लोग, और बैठ के चीजों को इस बार बॉन्ड बना दिया जाएगा। बॉन्ड बना के दोनों को प्रेम पूर्वक अलग कर दिया जाएगा कि भाई कोई अब अपने जीवन में एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करो, अपने अपने जीवन में दोनों आगे बढ़ो। क्या क्या आरोप लगाए हैं विवेक पटेल ने शिल्पी राज पे? अरे कुछ नहीं, वही लगाए, मेरी वाइफ थी और चली गई, मुझे छोड़ दी, और क्या लगाएगा। मेरा उसके कैरियर बनाने के पीछे मैंने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया, सारा कुछ बर्बाद हो गया मेरा, मैं सड़क पे आ गया, यही सब। शिल्पी राज के इस बात से सहमत हुई या उन्होंने दूसरे पे आरोप लगाए कि नहीं ये कुछ गलत? इतने डिटेल्स में मैंने शिल्पी से बात ही नहीं की, बस शिल्पी समझ गई मेरे फोन का मतलब ही, बोली दीदी मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी, तो थोड़ा मैं शूट वूट में बिजी हूँ, दो चार दिन में बातें होंगी, एक डेट फिक्स होगा, उस डेट में बैठेंगे, चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, बॉन्ड बनेगा। बीच में उनके लोग का भी फ़ोन आया है, आसपास जितने लोग हैं, बोले मैडम इस बार फाइनल करा ही दीजिए, जब आपके पास आए हैं तो आप ही अब फाइनल करा दीजिए। पहले जो है महिलाएं आपके पास गुहार लेकर के आती थी, अब पुरुष आ रहे हैं, ये ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। अरे पुरुष आते थे, लास्ट ईयर 13 लड़कों को 376 के मामले में महिला विकास मंच जेल से निकालने का काम की, जो ये अफेयर तफेयर वाला रेप केस झूठा लगता था, तो पुरुष का केस हम लोगों ने बहुत देखा है। महिलाएं केस लेके आती हैं और पता चलता है कि हम पुरुष को मदद कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सुनती नहीं है, इतनी जिद्दी हो गई हैं, इतना गलत हो रहा है आजकल कि कोई कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती कुछ महिलाएं, सबका नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के केस में तो पुरुष को न्याय दिलाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि एक असफल पुरुष के साथ एक सफल महिला नहीं रह सकती, इस बात पे कितना सहमत हो? पूरी सहमति है, एकदम महिला है फिर भी कह रही हूँ, एकदम सहमति है। ये जान लीजिए दुनिया की कोई भी महिला अगर उसका पति ना कमा रहा हो, और एक पति जब कमाता है तो वो 10 लोगों का परिवार चला सकता है, लेकिन रेयर एंड रेयरेस्ट महिला ऐसी होगी, हम कह सकते हैं मेरे टाइप, ठीक है, जो महिला कमाए और पूरा अपने परिवार का देखरेख करे, ठीक है, तो रेयर महिलाएं ऐसी मिलती। थोड़ा सा पैसा नहीं महिला कमाती है कि उसका घमंड जो है एकदम चरम सीमा पे होता है। बात से आप सहमत हैं? एकदम सहमत है, बिल्कुल सहमत है, सबके लिए नहीं, लेकिन 90% केस में महिलाएं यही दिख रही हैं। और आजकल की जो हम लोग के एज वाली नहीं, आजकल जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे बिल्कुल कम, ये जो कहना 50% 50%, और बात भी सही है। अगर मान लीजिए लड़की भी इंजीनियर है, लड़का भी इंजीनियर है, माँ बाप ने उतना ही पैसा खर्चा किया दोनों के पीछे, अब वो लड़की से उम्मीद करोगे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करे, तो यही चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। उधर से लड़का आया, चाय लाओ पानी लाओ ये करो, रौब दिखाया, लड़की को टेम्पर हाई, तुम जो करके आ रहे हो हम भी, तू 50,000 कमा रहा है तो हम भी 60,000 कमा रहे हैं,
बस यही फेमिनिज्म है वो हावी पड़ रहा है लोगों पे, भारी पड़ रहा है, वो भारी पड़ रहा है और चीज़ें खराब हो रही हैं। कभी ना कभी कभी हम लोग को पता है क्या एहसास होता है कि शोषण तो आज भी काम करने वाली महिलाओं, आप चल रहे हो, आप लाखों कमा रहे हो, माइक लिए हुए हो, लेकिन जितने पुरुष माइक लेने वाले होंगे कहीं ना कहीं उनके बीच में कभी ना कभी शोषण फील करती होगी तुम। ये फैक्ट है यार, लड़कियाँ चाहे कितनी भी ऊपर चली जाए उनका शोषण होना एकदम से तय ही तय है। आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ बन जाओ। कितनी सहमत है मैडम की बात से आप? पूरी सहमत है, कितनी सहमत है महिला, हम भी है 110% सहमत है। और क्या बोलना है, अब तो कुछ तो परवरिश का भी असर होता है ना। देखिए कम से कम यहाँ पर पेरेंट्स दोस्त है कि माँ बाप बच्चे को बड़े करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो भी बनाए, मतलब उनको पारिवारिक मतलब माहौल नहीं देते, संस्कार नहीं देते हैं कि अपनी बेटी को आप एक पढ़ाई ये भी पढ़ाइए कि एक घर छोड़ के जा रही तो दूसरे घर में तुम्हारा घर वही अपना है और उसको समझो। जिस घर में माँ अगर समझदार नहीं है उनकी बेटी का घर नहीं बसेगा। और अभी केस में यही हो रहा है कि माँ जो है इंटरफेयर करती हैं बेटी के घर में, अधिकतर वैसे ही घर टूट रहा है। हमारे यहाँ ऐसे ही केस आता है कि माँ का इंटरफेयर घर में बेटी के ससुराल में हुआ, शादीशुदा बेटी का, उसका घर एकदम बसना नहीं बसना नहीं बसना एकदम है कि बस भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया था शिल्पीराज के वजह से। हाँ तो वही तो हुआ, क्या हुआ, वो माँ का उनको शिल्पी राज के वजह से वो अपनी माँ को छोड़ दिया, तो वो तो अलग का मैटर है। मतलब अभी जो ये मैटर चल रहा है, इस तरह का जो अभी घरेलू हिंसा जो चल रहा है, इस पर तो कहीं ना कहीं माँ ही अपनी बेटी को हर संस्कार देती है। तो माँ लोग सुन लीजिए, कम से कम बच्चे को एक पढ़ाई ये भी पढ़ाइए कि वो ससुराल में जाएं तो उनको ससुराल के हवाले कर दीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि मर जाएं, कट जाएं, आप खोज खबर न करें, दूर दूर से पता कीजिए। मतलब माँ का फ़ोन लगता है कि उनका सौतन बना रहता है बेटी का, बेटी का घर टूट जाता है। ऐसा ही हमारे पास केस आ रहा है। और वो लड़का जो आप विवेक पटेल की बात कर रही हैं, तो उसका तो कल आया है और कल में आज अभी तो सुबह से शाम हुआ है, मतलब शाम से सुबह हुआ है, तो एक हफ्ता का वक्त दिया, मांग रही हैं शिल्पी राज, हो जाएगा मामला उसके लिए। हम बात करें अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो पहले पवन सिंह, ज्योति सिंह, फिर रोशन रोही, किरण सिंह, फिर अभी शिल्पी राज और विवेक पटेल, क्या कहिए, क्यों इतना विवादों में रहता है? ये भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा विवाद का मैदान है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है तो विवाद में ही, आखिर बॉलीवुड में भी लो हमेशा वो होता है, क्या कहते हैं, तलाक होता है, नए नए अफेयर होता है, सब चीज़ होता है, तो इतना विवाद नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना वो मेट्रोपॉलिटन सिटी। नहीं नहीं, अरे सोच का फर्क है भाई, हम बिहार में बैठे हुए हैं, भोजपुरी बिहार से पैदा हुआ है, और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ब्रॉड माइंडेड लोगों की जगह है, तो मानसिकता का फर्क है, और कोई बात नहीं। होता भी तो वहाँ भी है, बाकी वहाँ पता नहीं चलता, वहाँ लोग एकदम फ्री माइंड है। हाँ। यहाँ जो है ना अपना बिहार आ जाता है, मैं बिहारी, वो बिहार वाला लक्षण जो है ना, यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा। नहीं नहीं, छोटी से बात का बतंगड़ बनाना यहाँ आदत सी बन गई है लोगों को, बात जैसा बात नहीं उसको बतंगड़ बनाते रहते हैं बैठ के, तो ये भी एक वजह है। ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर नहीं करना चाहते, यहाँ तो 100 रुपए के लिए लोग मर्डर कर रहा है एक दूसरे के लिए। जरा सा गाड़ी में ऐसे ठेला में जाओगी रोड पे, जरा सा ठेला और रिक्शा टकरा गया तो एकदम लगता है एक दूसरे को मार देगा रोड पे। तो ये यहाँ पे पेशेंस लेवल की कमी है लोगों में, या कह लीजिए कि बेरोजगारी इतनी है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है। क्या लगता है कितने दिनों में ये मामला सुलझ जाएगा? 15 दिन। 15 दिन बिल्कुल, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। चलिए हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ गारंटी दे रहे हैं। चलिए तो आपने सुना इनको, आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए